और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपके दोस्त आकाश राठौर। डैलस मूव हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, और एक यहाँ पे ढाबा है, पंजाबी ढाबा, जिसपे हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे जाने का, पर मौसम या कई सारी अलग अलग चीज़ें जिसके कारण हम जा नहीं पाए। फाइनली आज हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि पंजाबी ढाबा है कैसा, क्योंकि गर्मी का जो सीज़न है उसमें बाहर जाना बड़ा मुश्किल होता है, और इंडियन रेस्टोरेंट जो इंडियन ढाबा होता है वैसी पूरी उसकी फील है। फाइनली यहाँ पे आज बारिश हुई है तो मौसम ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो में और देख के आते हैं कि जो पंजाबी ढाबा है जहाँ पर एक्सपीरियंस पूरा इंडिया जैसा है वो है कैसा, और फूड का या ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है। हाँ, तो पहुँच गए हम लोग पंजाबी ढाबा। बाहर का माहौल एकदम इंडिया जैसा है, जैसे रोड साइड हाईवेज पे हम रुक के कभी कभी खाते हैं इंडिया में। देखिए ट्रक्स वगैरह खड़ी हैं सामने, गाने वगैरह भी पूरे देसी बज रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा है। इनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, 4.2 स्टार्स हैं, 3,500 लोगों ने रिव्यूज़ दिया है इसको, और भटिया वगैरह जो होती है जो एक्चुअल ढाबों पे लगती है वैसी लगी हुई है अंदर। तो चल के देखते हैं अंदर और मेन्यू इनका देखते हैं कि कैसा है। और साथ में मेरे अश्विन और जो वाइफ हैं वो अनीश वगैरह, हम लोग सब फ्रेंड्स आए हैं। एक खटिया भी हमको मिली दोस्तों बैठते हैं, तो हम दोनों को मिल गई है खाट पे बैठने की व्यवस्था। बाकी हमारे तीन जो प्लेयर हैं वो बैठे हैं टेबल कुर्सी पे, भी वेट कर रहे हैं खाट और खाली होने का अगर होती है तो, नहीं तो फिर हम लोग बाद में टेबल कुर्सी पे शिफ्ट कर लेंगे। पर कंफर्टेबल सीटिंग है, बहुत सारे लोग हैं, अच्छी खासी भीड़ है, और जैसा कि मैंने कहा पूरा इंडिया जैसा लग रहा है कि हाईवे के पास आप बैठ के कहीं खा रहे हैं। मेन्यू भी इनका वो जो पेपर में मेन्यू होता है हमारे वैसा भी नहीं है, सिर्फ आपको जो सामने बड़ी स्क्रीन लगी है वहाँ से देखें, या स्पेशल है कि उन्होंने बोर्ड लगा रखा है जो आज का स्पेशल है वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। जो सामने मेन्यू है पूरा बड़ा, जिसकी फ़ोटो अश्विन लेके आ गए, थाली वगैरह है जैसा भी वो देखते हैं। और तंदूरी पीछे मैंने देखा कि तंदूरी वगैरह बन रही है गर्म, तो वो तो लेना ही है क्योंकि गर्म तंदूरी फ्रेश बहुत कम खाने को मिलती है, तो वो ज़रूर मैं ट्राई करूँगा। तो ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया है। जो मेन्यू है इनका वो बहुत एक्सटेंसिव नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा कुछ, बहुत अच्छा ढाबे का जो एकदम नॉर्मल मेन्यू होता है वैसा है। पनीर टिक्का ज़रूर ऑर्डर किया, तो काफ़ी अच्छा कलर दिख रहा है, और चाय वगैरह जो है लस्सी वो सब कुल्हड़ में ही लोग सर्व कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पे करते हैं शायद इसलिए, तो वो है ये कुल्हड़। और फूड धीरे धीरे आ रहा है, तो स्टार्टर बहुत टेस्टी लग रहा है। समोसे इनके बहुत बड़े बड़े, तो समोसे भी मैंने ऑर्डर किए हैं, वो भी आते हैं तो वो भी दिखाता हूँ। पनीर टिक्का कबाब जो हमने मंगाया वो तो बहुत टेस्टी है, मुझे इतना देसी टेस्ट तो मुझे लगता है डालस हमने कहीं पर भी खाया है। तो स्टार्टर तो बहुत अच्छा, धीरे धीरे जब फूड और आएगा समोसा आते हैं तो वो भी बताता हूँ कि वो कैसे है। तो इतने इंतज़ार के बाद फाइनली हमारा खाना आ गया, और जैसा कि मैंने कहा था समोसे ये लोग फ्रेश बना रहे हैं, तो ऐसे समोसे जनरली यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं यूएस में, पर बहुत सही दिख रहे हैं। और पनीर की करीज, फ्रेश तंदूरी रोटी, गार्लिक नान, तो तंदूरी गार्लिक नान सब कुछ, और पीछे ही भट्टी वगैरह लगी हुई तंदूर जहाँ पर बन रहा है, तो अब खा के देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। बहुत बढ़िया, समोसा भी यहीं का बना हुआ है, इससे बहुत अच्छा है और काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है। खाना हमारा हुआ, खाना बहुत अच्छा था इनका। एंड देन मैं अभी आया हूँ, उनके पास एक पार्टी हॉल भी है पीछे जहाँ पे पार्टी वगैरह अरेंज करते हैं, या और इसके बारे में क्या इन्फो है वो पूछते हैं। सो अभी जिन्होंने खाना खिलाया है वो शेफ स्वयं हमारे साथ है, सो लेट्स मीट द शेफ़ एंड और ढाबे के बारे में जानकारी इनसे लेते हैं। सो है Hi Bishwa. Yeah, I'm Bishwa. Bishwa, nice to meet you. Thanks. So, where are you from? I'm from Nepal. When did you came to US? Yeah, last 10 years. 10 years? Yeah. And like from how long you're cooking for this dhaba? Yeah, same opening to till now. Okay. Yeah. But like the food was amazing. The Punjabi taste was there. Yeah. And it was so good. Thank you so much, sir. Yeah. And what are the timings for this dhaba? Yeah, we have a morning 7 to 11 o'clock we have breakfast. Then until 10 o'clock we have lunch and dinner every day same time. Okay. And it's because near like the ambience is so like dhaba like in India. Yeah. And it's near the road, so I see a lot of trucks and all. So do like a lot of truck yes, come sir. Here? Almost maybe daily 200. 200 trucks? Yeah, trucks. Oh wow. So जैसा कि इंडिया में होता है ढाबों पे, ऐसा यहाँ भी ये बता रहे हैं कि 200 से ज़्यादा ट्रक आते हैं
रोज खाना खाने के लिए दैट इज अमेजिंग एंड देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर आल्सो देयर कमिंग फ्रॉम 2 आवर ड्राइव समवेयर कमिंग फ्रॉम ओक्लाहोमा समवेयर कमिंग फ्रॉम या डालास एंड फोर्ट वर्थ या दिस व्हाट इज द टाउन नेम दिस टाउन वॉलबर्ट अल्बर्ट टेक्सस सो अल्बर्ट टेक्सस में है एंड मैंने देखा कि जैसे मैंने बताया कि रिव्यूज बहुत अच्छे हैं द रिव्यूज आर अमेजिंग ऑन गूगल दैट्स द ओनली रीजन आई ऑल्सो केम सो या इट इज अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड वी हैव ऑल्सो द जो ढाबे के ओनर हैं उनके बेटे भी यहीं पर बैठे हैं एंड व्हाट्स योर नेम बॉब सो बॉब इज यर बॉब पंजाब से हैं पंजाब से हैं सो उनका ढाबा है एंड विश्वा यहाँ पे कुक करते हैं और फूड का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा थैंक यू सो मच सर सो दैट वाज सो गुड एंड व्हाट इज दिस प्लेस लाइक या दिस इज सम टाइम दे आर कमिंग फॉर पार्टी लाइक बर्थडे पार्टी लाइक सम पीपल कमिंग आल्सो वेडिंग पार्टी आल्सो लाइक दिस ओके ओके एंड यू गाइस आल्सो टेक लाइक केटरिंग ऑर्डर्स सो इफ आई ऑर्डर फ्रॉम माय होम या सम टाइम बट लॉट ऑफ बिजी फ्राइडे सैटरडे संडे वी हैव अ लॉट ऑफ बिजी देयर सो वी कैन नॉट टेक दिस टाइम सो या Any other desi things you make like jalebi or something? Maybe somebody want to take to go like we can take it. Jalebi? Yeah. You make jalebi also? Yeah, jalebi. We make kulfi. We make gulab jamun homemade. Make yeah kheer. Yeah, everything homemade. Yeah, the samosa was also so good. It was different. Thank you, sir. We make So yeah, thank you so much. And as I said, like food was great. Thank you, sir. Thank you. All right, thank you. The food का experience तो हमारा बहुत अच्छा रहा. और ढाबा जो मैंने कहा कि आसपास गाने वगैरह पूरा इंडियन ढाबे की फील है पर अंदर बिल्कुल भी वैसा नहीं मैं अंदर जाके आया वहाँ पर रिकॉर्डिंग अभी अलाउड नहीं की उन्होंने वो एक लाइव किचन यहाँ पे बना रहे हैं सामने तो उन्होंने बोला कि लाइव किचन में आपको लेके आएंगे अभी अंदर नहीं गए पर जो दिख रहा है वो ये है कि अंदर पूरा अमेरिकन है अंदर बिल्कुल भी इंडियन जैसा नहीं है हमारे जैसे कि भट्टी वगैरह ओपन खुली रहती है वैसा किचन नहीं है सामने तंदूर वगैरह लगे हैं सो यहाँ पर क्योंकि आपको अमेरिकन जो फूड होता है उसके लिए काफ़ी सारे रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं तो आप किचन वगैरह जो है बहुत क्लीन रखना पड़ता है वहाँ अंतर है पर ओवरऑल यहाँ तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था तो इस तरह का कुछ हमारा ढाबे का एक्सपीरियंस रहा फूड वाज अमेजिंग अल्बर्ट करके टाउन है उसमें है यहाँ पे और ऑलमोस्ट एक घंटे का ड्राइव है डालस डाउनटाउन से तो वहाँ पे ये ढाबा लोकेटेड है एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग